मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तमाम दर्शकों को भगवान सूर्य के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे छठ के अंतिम अर्घ की, दूसरे अर्घ की, इसका महत्व क्या है और इस दिन किस तरह से सूर्य देवता की विशेष कृपा आप पा सकते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि छठ के अंतिम अर्घ का महत्व क्या है। देखिए, पहला जो अर्घ है वो षष्ठी तिथि की शाम को दिया जाता है। ये अर्घ दिया जाता है अस्त होते हुए सूर्य को और इसमें अर्घ दिया जाता है जल में जरा सा दूध डाल करके। अंतिम अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि उगते हुए सूर्य को अरुण वेला में, यानी सूर्य उदय के साथ। इस अर्घ को देने के बाद ही जो व्रती है वो अपने व्रत का समापन करते हैं और व्रत का समापन करते हैं कच्चा दूध लेकर के और प्रसाद ग्रहण कर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो केवल छठ की पूजा करते हैं वही इस सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, की पूजा नहीं करते हैं वो भी षष्ठी तिथि की शाम को डूबते हुए अर्घ दे सकते हैं और सप्तमी की शुरुआत में सुबह के समय भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। सुबह 10 बजे कभी भी अर्घ दिया जा सकता है और ये अर्घ बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये अर्घ दिया जाए सूर्य देव की विशेष कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती। जो छठ में प्रसाद होता है उसकी बड़ी महिमा बताई जाती है। ऐसा मानते हैं कि छठ के प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति का सूर्य प्रबल होता है, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में नाम और यश बढ़ता है। तो आखिर छठ के प्रसाद की महिमा क्या है? देखिए, छठ के अर्घ के समय घाट पर जाना चाहिए और जो व्रत रखा है उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, इसकी विशेष मान्यता बताई गई है। जो व्रती है, जिसने व्रत रखा है, के हाथों से प्रसाद ग्रहण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अर्घ देते समय सूर्य का दर्शन करना और फिर छठ का प्रसाद ग्रहण करना जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर देता है। हो सकता है कि आप छठ का व्रत ना रख पा रहे हों या आपने ना रखा हो, ऐसी दशा में घाट पर जाएं, सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद छठ का प्रसाद ग्रहण करें, आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मात्र इस प्रसाद को भक्ति भाव से ग्रहण करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और की गंभीर से गंभीर समस्या आसानी से दूर हो जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो लोग छठ का व्रत कर रहे हैं वो डूबते हुए सूर्य को षष्ठी को अर्घ देंगे और उगते हुए सूर्य को सप्तमी को अर्घ देंगे। लेकिन अगर कोई और भी अर्घ देना चाहता है तो सुबह 10 बजे के पहले सप्तमी को सुबह सूर्य को अर्घ दे सकता है, इससे उसे विशेष फायदे जरूर होंगे। अब ये जानते हैं कि जिस दिन छठ का अंतिम अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि के, उस दिन क्या विशेष करना चाहिए। देखिए, छठ के अंतिम अर्घ के दिन यानी सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, चाहे आपने छठ का व्रत रखा हो तो और ना रखा हो तो। सुबह 10 बजे के पहले सूर्य को अर्घ दे दीजिए। इस दिन फल, दूध और मीठी वस्तुएं खिलाइए या दान कीजिए। ऐसा करने से कुंडली का सूर्य बेहतर होगा, आपके मान सम्मान में, यश में सुधार होगा। संभव हो तो अर्घ के बाद भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का, या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना भी लाभकारी होगा। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामना कहिएगा, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी।